अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफा अम्मा बाद फअऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलून इन कुंतुम मुमिनीन सदकल्लाहुल अज़ीम। وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पुरफितन ज़माने में, फितने फसाद के ज़माने में अमन अमान के साथ, चैन व सुकून के साथ उसके घर में बैठने की और जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मोहतरम हज़रात, जैसे कि हम दुनिया पर नज़र डालें, पूरे आलम पर अगर नज़र दौड़ाएं, तो हम खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं, हम इसका खुद अंदाज़ा ले सकते हैं। लेकिन गौर करने की बात एक ये है कि हालात तो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है, लेकिन उसकी वजह है। जिस तरह इंसान बीमार होता है तो उसके पीछे वजह होती है और वो उसका इलाज कराने की कोशिश करता है। कोई अगर हकीम के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मुझे फला तकलीफ़ है, फला तकलीफ़ है, तो डॉक्टर पहले चेक करता है, उसके बाद जब उसको बीमारी का इल्म होता है, पता चलती है कि इसको क्या बीमारी है, तो उसका वो क्या करता है, फिर इलाज कराता है ना। लेकिन अफसोस की बात, सत अफसोस की बात, हमें ना तो इस बात का इल्म है कि हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं और ना इस बात की फिक्र है कि हालात कैसे दुरुस्त होंगे, हालात कैसे दुरुस्त होंगे, ना इस बात की हमें फिक्र है और हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं इस बात की भी हमें कोई परवाह नहीं है। बस गाड़ी चल रही है, चलने दो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इसलिए हमें सबसे पहले तो इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं, और दूसरी बात, हमें जब पता चल जाए कि हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं तो उस चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करना चाहिए। करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो देखिए, नबी अलैहिस्सलाम और आज का जो आलम है, जो आज के हालात हैं, पूरी इस हदीस पर फिट होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है जो पूरे आज के दौर के मुताबिक सेट और फिट हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूशिकु अन यातिया अला नासी ज़मानुन, करीब है, मुमकिन है, हो सकता है कि लोगों पर एक ज़माना आएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले बतलाया के उम्मत पर, लोगों पर एक ज़माना आ सकता है, आने वाला है। वो क्या, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुह, इस्लाम ख़त्म हो, इस्लाम मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा। इस्लाम का क्या बाकी रहेगा, इंसान के अंदर सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, सिर्फ मुसलमानों का नाम बाकी रह जाएगा उनकी ज़िंदगी में, इस्लाम बोलो ना नहीं रहेगा। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुह, इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, काम बाकी नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्मुह,
और क़ुरान का सिर्फ़ और सिर्फ जो हरूफ हैं, जो ख़त है, सिर्फ वही बाकी रह जाएगा, उसके अहकामात, उस पर अमल करना ज़िंदगी से निकल जाएगा। हुआ क्या नहीं हुआ? आज कुरान माशाल्लाह जो लिखा हुआ है, ख़ते उस्मानिया जिसे कहते हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह उन्होंने जो लिखा है, वो कुरान की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है। वो तो सही सलामत है, लेकिन कुरान पर अमल करना, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये क्या हो गया? सब ख़त्म हो गया। आज कुरान को कुरान के मुताबिक कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं। कुरान हमें कब याद आता है? जब रमज़ान आता है, जब हमें कुरान याद आता है। कुरान हमें कब याद आता है? जब किसी का घर बन गया, जिसे कुरान खानी कहते हैं, घर बनने के बाद कुरान याद आता है। कुरान कब याद आता है? कुरान जब किसी का इंतकाल हो जाए, जब कुरान याद आता है। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं था कि ताकों पे सजाने के लिए कुरान नहीं था, किसी की मैयत पर पढ़ने के लिए कुरान नहीं था, किसी के घर बनने पर कुरान की तिलावत की जाए इसलिए कुरान नहीं था। कुरान तो दस्तूरुल हयातिल इंसानिया, ज़िंदगी गुजारने के पूरे अहकाम, ज़िंदगी गुजारने के पूरे तौर और तरीक़े अल्लाह पाक ने कुरान में नाजिल फरमाए कि तुम्हें क्या, कैसे तिजारत करना है, किन कामों को करना है, किन कामों से रुकना है, कैसी ज़िंदगी गुजारना है, कैसी आखिरत बनाना है, ये तमाम दस्तूरुल हयात, ज़िंदगी गुजारने के पूरे तौर और तरीक़े अल्लाह ने कुरान में बताए हैं। लेकिन हमने क्या समझ लिया इसे? क्या समझ लिया कुरान पाक को? अरे भाई फला का इंतकाल हो गया, इसकी कुरान खानी होगी। अरे भाई हमारा घर तैयार हो गया, चलो कुरान खानी के लिए। अरे रमज़ान आ गया, चलो कुरान निकालो, बहुत धूल मिट्टी लग गई उसको। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले बतलाया, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, काम बाकी नहीं रहेगा। आज हम अपने दिल पर हाथ रख कर ये बताएं, क्या मेरी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है? हम खुद अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें, क्या मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात है या नहीं है? मेरी ज़िंदगी में कुरान की तालीम है या नहीं है? क्या है हमारी ज़िंदगी इस्लाम से कोरी है? हमारी ज़िंदगी कुरान के अहकाम से खाली है? तो ये दो चीज़ें सही हुई क्या नहीं हुई? ये दो चीज़ें हुई क्या नहीं हुई? ऐस बोले फुप्पा, ये दो चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह गया, कुरान का सिर्फ ख़त रह गया, कुरान जो कुरान पाक में लिखा है उसकी लिखावट रह गई है, लेकिन अक्सर असल जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में आना चाहिए थी वो निकल गई है। तीसरी चीज़, मसाजिदुहु मआमिरा, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मस्जिद तो माशाल्लाह फुल हो जाएगी, मसाजिद आमिरतुन आबाद हो जाएंगी। दूसरा मफहूम, मस्जिदों को बड़ी बड़ी आलीशान बनाया जाएगा, मस्जिदों को बड़े बड़े अंदाज से तामीर कराया जाएगा, मस्जिद तो बड़ी आलीशान होगी, वही खराब मिनल हुदा, लेकिन हिदायत से खाली हो जाएगी, हिदायत से खाली हो जाएगी। आज ये तमाम चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये आज की जो कंडीशन है, आज के जो हालात हैं, पूरे ऐन इस हदीस के मुताबिक हो रहे हैं। इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह गया, कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह गए, कुरानी तालीम हमारी ज़िंदगी से निकल गई है, कुरानी तालीम ज़िंदगी से निकल गई है। इसलिए सबसे पहली वजह हालात आने की ये है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को ज़िंदगी से फरामोश कर दिया, फरामोश कर दिया। अल्लाह ख़ुद कहते हैं, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने शर्त लगा दी है कि मेरे बंदो तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वला तहिनु वला तहज़नु, गमज़दा ना होना, परेशान ना होना, ज़्यादा फिक्र न करना, कुर्सी तुम्हारे कदमों में होगी, इज्जत तुम्हारे कदमों में होगी, शोहरत तुम्हारे कदमों में होगी,
दौलत तुम्हारे कदमों में होगी, हुकूमत तुम्हारे कदमों में होगी। शेर को तुम हाथ से चला सकते हो, शेर तुम्हें देखकर डर सकते हैं, चीता तुम्हें देखकर कपा सकते हैं, हुकूमत तुम्हारे आगे घुटने टेक सकती है। शर्त सिर्फ एक है, इन कुंतुम मुमिनीन, तुम मुकम्मल ईमान वाले बन जाओ। तुम मुकम्मल क्या बन जाओ? ईमान वाले बन जाओ। अब हम खुद गौर करें, क्या हमारा ईमान ऐसा है कि हम हाथ उठाए तो अल्लाह हमारी दुआ को सुन ले? क्या हमारा ईमान ऐसा है कि हमारे हाथ नीचे रखने से पहले अल्लाह पाक हालात को दुरुस्त कर दे? नहीं है तो हालात कैसे दुरुस्त होंगे फिर? हालात कैसे दुरुस्त होंगे फिर? इसलिए बुनियादी चीज़ हालात दुरुस्त करना है। हालात किसके कब्ज़े में है? अल्लाह के। हालात अल्लाह के कब्ज़े में है, लेकिन आमाल तो अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किए हैं। मेरे बंदो, तुम आमाल तब्दील कर दो, मैं हालात तब्दील कर दूँगा। तुम आमाल तब्दील कर दो, मैं हालात तब्दील कर दूँगा। आज मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। 2 से 4, 8 से 10 लोग मस्जिदों में आ रहे हैं। आबादी तो माशाल्लाह हज़ारों की है, सैकड़ों की है, लेकिन 10 से 20 लोग मस्जिदों में आ रहे हैं। अफसोस की बात। और फिर कहते हैं कि अरे यार, मस्जिद के साथ क्या किया जा रहा है, मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। सबसे पहले मस्जिदों को तो शहीद हमने किया, मस्जिदों को तो वीरान हमने किया। नमाज़ों को आने की तौफीक नहीं हो रही, नमाज़ों के आने की कोशिश नहीं की जा रही। और जब किसी मस्जिद पर उंगली उठाई जाती है तो हम उधर उंगलियां उठाते हैं, हमारा नज़रिया उधर उठता है, लेकिन हम फजर में सो रहे। कभी इस पर कभी गौर किया कि फजर की नमाज़ छोड़कर सो रहे हैं? इस पर कभी मातम मनाया हमने? जहर भी गुल, असर भी गुल, मगरिब, ईशा, सब नमाज़ों के जनाजे तो हम निकाल रहे, मस्जिदों को वीरान और शहीद तो हम कर रहे हैं। इसीलिए तो गैरों को ताकत और कुव्वत मिल रही है। जब जब मस्जिदों को मुसलमान वीरान और गैर आबाद करते हैं, गैरों को ये ताकत और कुव्वत मिलती है कि वो मस्जिदों को शहीद कर देते हैं। बताओ, जो मस्जिद मामूर होगी, आबाद होगी, किसी गैर मुस्लिम की ये ताकत और कुव्वत है कि उसकी तरफ नज़र उठा कर देखे कि वो देख रहा है माशाल्लाह 50-100 लोग मस्जिद में आ रहे हैं, 50 से 100 लोग मस्जिद से जा रहे हैं। किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती उस मस्जिद की तरफ नज़र उठाने। लेकिन जो मस्जिद सुबह में भी खाली, दोपहर में भी खाली, शाम में भी खाली, 8-8 दिन जिस मस्जिद में कोई नहीं जाता हो, फिर गैरों की क्या होती है? उधर नज़र उठती है, नज़र उठती है। और फिर अल्लाह पाक भी उनके सुपुर्द कर देते हैं, ऐ मुसलमानों, जब तुमने मेरे घर को आबाद नहीं किया तो फिर ये मस्जिद मस्जिद कहने के कहाँ काबिल रह गई? मस्जिद तो उसको कहते हैं जहाँ पर सजदा किया जाए। तुमने सजदा करना छोड़ दिया, तुमने मेरे सामने आंसू बहाना छोड़ दिया, तुमने मेरे सामने सजदा रेज होना छोड़ दिया। इसलिए गैर की तो आज ये हिम्मत हो रही है कि मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। इसलिए बुनियादी चीज़, सबसे पहले अपने ईमान को बनाया जाए, अपने आमाल को दुरुस्त किया जाए, अपने आमाल को सवारा जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे, तो सामने से देखा एक शख्स आ रहा है, शेर पर बैठकर आ रहा है। कहीं पर बैठकर? शेर, लायन, शेर पर बैठकर आ रहा है। तो ताज्जुब में पड़ गए, अरे इंसान और शेर, इससे शेर पर बैठ कर आ रहा है। तो शेर पर बैठने वाले ने कहा, अरे क्या तुम्हें ताज्जुब होता है कि मैं शेर पर बैठा हूँ, कि शेर पर मैंने शेर को अपने काबू में कर लिया है, शेर को अपने कदमों के नीचे कर लिया है, शेर पर मैंने दस्तरस हासिल कर ली है, क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब होता है? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर तुम अल्लाह के बन जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। हमने अल्लाह को भुला दिया, हम दर दर की आज क्या कर रहे? ठोकरें खा रहे, खा रहे या नहीं खा रहे? दर दर की ठोकरें खा रहे। हमारा मामला तो ऐसा ही हुआ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। गैर समझते हैं कि मुसलमान है, अल्लाह वाला है,
लेकिन अल्लाह की नज़रों में तो हम गुनाहगार हैं, नाफरमान बंदे बने हुए। इसलिए सबसे पहला काम हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। क्या के मुताबिक? इस्लाम के मुताबिक। अल्लाह खुद कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए मुसलमानों मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा मामला तो ऐसा है, जिम आया तो नमाज पढ़ लिए, जिम आया तो छोड़ दिए। हाँ, हमने सिर्फ दीन नमाज को पढ़ना समझ रखा है। दीन कह को समझ रखा है? सिर्फ मस्जिद में आए, मस्जिद में खोके के अंदर टोपी थी वो पहन लिए, टखने से ऊपर पैजामा कर लिए, नमाज पढ़ लिए, माशाल्लाह मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला बन गया। 50 रुपये की टोपी खरीदने की तौफीक नहीं हो रही है। जो फोर मस्जिद सदक़े की टोपी हम पहन रहे हैं। कह की टोपी? सदक़े की टोपी। आज 50 रुपये हमारे जेब में नहीं है कि टोपी खरीद ले उससे। हम मस्जिद के लिए जो टोपियाँ रखी गई है, असल तो ये टोपियाँ रखना ही नहीं चाहिए। बोलो, जो ये टोपियाँ रखता है उसको ये नसीहत है या वसीयत है, वो टोपियाँ आइंदा से मस्जिद में न रखें। सामने वाले को शर्म तो आएगी कि बगैर टोपी के मैं क्या कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ। तो क्या बता रहे थे हम? क्या बता रहे थे? गई भैंस पानी में। हाँ, क्या बता रहे थे? है किसी को यार? गया ध्यान में से, जाओ। तो जो मुकम्मल तौर पे अल्लाह ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलु फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारा मामला ऐसा, मस्जिद में आए तो क्या बन जा रहे? अल्लाह वाले बन जा रहे। हमने दीन इबादत सिर्फ और सिर्फ यही बता रहे थे। हमने दीन इबादत सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने को समझ रखा है, टोपी पहनने को समझ रखा है, मस्जिद में आकर पैंट टखनों से ऊपर रखना, इसे सिर्फ दीन समझ रखा है। लेकिन जैसे ही दुकान में इंसान पहुंच रहा है, झूठ बोलना शुरू कर रहा है। दुकान में पहुंचते ही झूठ बोलना शुरू कर रहा है, घर में जाते ही जुल्म ज्यादती करना शुरू कर रहा है, पड़ोसी के हुकूक दबाना शुरू कर रहा है, बीवी बच्चों पर जुल्म करना, माँ बाप की नाफरमानी करना शुरू कर रहा है, खेती में जुल्म ज्यादती और अमानतदारी नहीं कर रहा है, अगर दफ्तर में है तो वहाँ पे झूठ घोटाला कर रहा है। ये क्या है फिर? क्या इस्लाम ये चीज़ें सिखाता है? इस्लाम ये चीज़ें नहीं सिखाता। तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर मुसलमान न बने, बल्कि 24 घंटे हम मुसलमान बनने की क्या करें? कोशिश करें। 24 घंटे मुसलमान बनेंगे, हमारे हाथ उठेंगे नीचे रखने से पहले अल्लाह दुआ को कबूल कर लेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के हद तक मुसलमान बनेंगे, मस्जिद की टोपी पहनकर मस्जिद में अंदर नमाज पढ़ने के हद तक अगर हम मुसलमान बनेंगे, जैसी दुकान में चला गया झूठ बोलना शुरू कर दिया, खेती के अंदर कमी ज़्यादती करने लगा, दयानतदारी और अमानतदारी को पसे पुश्त डाल दिया, पीठ के पीछे डाल दिया, तो ना इसकी दुआ कबूल होगी ना इसकी इबादत कबूल होगी, और हालात और बद से बदतर होते जाएंगे। इसके लिए आपके सामने जो हदीस पढ़ी गई और कुरान की आयत पढ़ी गई, तो बस पूरा खुलासा उसका यही है। अल्लाह कह रहे हैं मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या हो जाओ? मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कहीं पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हालात देखिए, 2-3 वजह से हालात आते हैं, आपको बतला देता हूँ। 2-3 वजह से हालात आते हैं। नंबर एक, अगर कोई हक पर है, अगर कोई हक पर है, अल्लाह का फरमाबरदार है और हालात आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसके दर्जों को बुलंद करने वाले हैं, अल्लाह उसके दर्जों को बुलंद करने वाले हैं। नंबर दो, अगर वो हक पर नहीं है और फिर उस पर हालात आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि अल्लाह उसे बतला दे रहे हैं कि मेरे बंदे संभल जा वरना आगे परेशानी होगी। अल्लाह कहते हैं हम हमारे बंदों को थोड़ा सा अजाब, थोड़ी सी तकालीफ, थोड़ी सी मुसीबतें चखा देते हैं
ताकि वो आखिरत में आने वाले अजाब से क्या हो जाए, बच जाए। फलनुज़ीक़न्नहुम अज़ाब अल-अदना दून अल-अज़ाब अल-अकबर लअल्लहुम यरजीउन। अल्लाह कहते हैं कि थोड़ा सा मैं इम्तिहान ले लेता हूँ, थोड़ा सा अपने बंदों को आजमाइश में डाल देता हूँ, क्यों? ताकि वो आखिरत के अजाब से क्या हो जाए, बच जाए। लेकिन आज हम संभलने को तैयार नहीं, सिर्फ हमारी ज़ुबानों पर है कि फला जगह क्या हो रहा है, फला जगह क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मस्जिद वीरान पड़ी उसका कोई ख्याल करने को तैयार नहीं है। इसीलिए अपने आसपास की मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश की जाए, अपने ईमान को मजबूत किया जाए, अपने आमाल को सवारा जाए, वरना हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बस माशाल्लाह, जुमा को जुमा नमाज को आ रहे, रमज़ान टू रमज़ान नमाज को आ रहे। पांच वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, लेकिन इस पर कोई गौर व फिक्र करने को तैयार नहीं है। मस्त आराम कर रहे, कारोबार कर रहे, कारोबार करने की मनाही नहीं है, तिजारत करने की मनाही नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म तो ना तोड़े हम, नबी अलैहि सलाम के तरीक़े तो ना छोड़े। इसके लिए नंबर एक, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने आमाल को संवारने की कोशिश करें, मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करें। हम अगर मस्जिदें आबाद करेंगे, किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है कि मस्जिद की तरफ नज़र उठा कर देंगे, है क्या? हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया तो गैरों की नज़रें उठने लगी है। इसके लिए मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत, अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन हमें अपना काम करना है, मस्जिदों को आबाद करना है। मस्जिदों को आबाद नमाज़ों से किया जाए, कुरान की तिलावतों से किया जाए। मस्जिदों में काफ़ी वक्त हम लगाने की कोशिश करें तो मस्जिद आबाद होगी। मस्जिद आबाद होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक हालात को बदल देगा, इंशाअल्लाह हालात को तब्दील कर देगा अल्लाह पाक। करेंगे सब इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? दो चार काम करना है। नंबर एक, अपने ईमान की फिक्र करना है। ईमान होगा आमाल होगे, ईमान रुखसत आमाल रुखसत हो जाएगी। तो अपने ईमान की फिक्र करना है, अपने ईमान को बनाने की कोशिश करना है। नंबर दो, अपने आमाल को संवारने की कोशिश करना है। आमाल, झूठ बोलना छोड़ दे, दुकान में झूठ बोलना छोड़ दे, तिजारत करने वाला तिजारत करते वक्त अल्लाह को अपने करीब समझे। देखिए कितनी प्यारी हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। बताओ, झूठ बोलने वाला कभी अल्लाह का होगा क्या? अमानत में खयानत करने वाला, धोखा देने वाला, जुल्म ज़्यादती करने वाला, ये अल्लाह का हो सकता है क्या? जब ये अल्लाह का नहीं हो रहा तो अल्लाह इसका कैसा होगा फिर? और जब अल्लाह नहीं हुआ तो पूरी दुनिया मिलकर अगर हालात को दुरुस्त करना चाहे, कसम है रब्बे कायनात की दुनिया के हालात ठीक नहीं हो सकते। अल्लाह को हमने समझा ही नहीं। हम बोलते अगे अरे यार, अगर वो बदल गया ना तो हालात क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कसम है रब्बे कायनात की, चाहे दुनिया में कोई भी हाकिम बन जाए, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा हालात नहीं बदल सकते। जैसे हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया, इंशाअल्लाह पलक झपकने के बराबर अल्लाह की वो ज़ात है जो हालात को क्या कर दे, बदल दे। लेकिन हमने अल्लाह को अल्लाह समझा ही नहीं, रब्बुल आलमीन हमने समझा ही नहीं। फला को हम बड़ा बादशाह समझते हैं, ताकतवर समझते हैं कि उसके हाथ में बड़ी पावर है, उसके हाथ में बड़ी पावर है, उसके हाथ में, फला के हाथ में ताकत है। अरे सबको पैदा करने वाला कौन बताओ ना, कौन? अल्लाह है ना। अगर हमने अल्लाह को मना लिया तो हालात दुरुस्त होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन हम दुनिया वालों को मनाने के चक्कर में अल्लाह को मनाना हमने छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह को अल्लाह समझे, अल्लाह को रब्बुल आलमीन समझे। तमाम आलम को बनाने वाला, तमाम कायनात को पैदा करने वाला, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला, रूह को खींचने वाला, ज़िंदगी बख्शने वाला, मौत देने वाला,
बारिश बरसाने वाला, तमाम कायनात चलाने वाला अल्लाह है। तो ये चीज़ हमारे ज़िंदगी में आना ज़रूरी है। जब हमारा ईमान कवी होगा, अल्लाह को जब हम अल्लाह समझेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया वालों का खौफ दिल से निकल जाएगा। करेंगे सब इंशाअल्लाह। दो तीन काम, अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह को अल्लाह समझे। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं कर सकती। ये बुनियादी चीज़ पर हम याद रखें। दूसरा अमल, हमारे आमाल को दुरुस्त करना है। झूठ बोलना है, जुल्म ज़्यादती करना है, फरेब करना है, धोखा देना है, आपस में हक तलफी करना है, ये तमाम चीज़ें छोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह हालात को दुरुस्त कर देगा इंशाल्लाह। करेंगे सब इंशाल्लाह। देखिए, कोई अगर नमाज छोड़ता है तो उसे नमाज छोड़ने का गुना मिलेगा, ठीक है? नमाज छोड़ने का क्या मिलेगा? गुना मिलेगा उससे। अगर कोई अल्लाह के ताल्लुक से कोई गुना करता है तो उसका अजाब उसे आखिरत में मिल के रहेगा। लेकिन आपस में अगर कोई किसी से जुल्म रखता है, जुल्म करता है, किसी की ज़मीन दबाता है, किसी का माल खाता है, धोखा दही करता है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इसका वबाल अल्लाह पाक फौरन दुनिया में नाजिल कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह हालात को इंशाअल्लाह दुरुस्त करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक।